असलम जी क्या हाल चाल हैं आपके वेलकम बैक टू माई चैनल आई नो इट्स बिन अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस आई हैव अपलोडेड एनी वीडियो बट आज जब मैं आपसे वीडियो शेयर करने जा रही हूँ यू विल लव इट एंड आई होप आप एंड तक ये वीडियो देखेंगे थोड़े से क्लिप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ प्लीज़ एंड तक आपने देखना है और यू विल इन्जॉय इट आई कैन शो यू इतनी अच्छी प्यारी सी एक साइट है जो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ पुरानी साइट है और नेचुरल है uh, और आप यू विल नॉट रिग्रेट वॉचिंग इट तो चलें जी हम अपना सफ़र शुरू करते हैं ये सऊदीया का एक सिटी है अलहसा के नाम से वहाँ पे इस तरह के टेक्सचर की, की माउंटेंस हैं कुछ और इन माउंटेंस के अंदर ये एक बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के गार बने हुए हैं केव्स बने हुए हैं और ये इतने खूबसूरत हैं कि आंखों को इतने अच्छे लगते हैं और इतने ये आम, कह लें आपके अपने एक इतनी अजीब सी ये चीज़ है जो कि पहले देखने में नहीं मिली मुझे कहीं भी ग़ार जो हैं कीव जो हैं वो पाकिस्तान में भी हैं और एक टिपिकल किस्म का हमारे माइंड में आ, उनका एक कॉन्सेप्ट होता है कि इस तरह के बड़े बड़े से ग़ार होंगे बग़ैर लाइट्स के और इस तरह से जिसमें से हवा भी नहीं गुजरती होगी लेकिन आज जब मैं आपको ये केव्स दिखाने जा रही हूँ ये आप देख के हैरान हो जाएंगे तो अलहसा के पास एक ऐसा ये एक नेचुरल साइट है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज हेरिटेज सेंटर ने इसको इन लिस्ट किया है टू में एज ए नेचुरल जो है वो हेरीटेज इसको एक लिस्ट किया गया है और आज मैं आपको उसकी सैर करा रही हूँ तो इनको कहते हैं अलकारा केव्स अलकारा जबल अलकारा भी कहते हैं अलकारा माउंटेंस भी कहते हैं इनको और केव बेसिकली केव्स हैं और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है लैंड ऑफ सिविलाइजेशन के नाम से और जिसमें इसकी डेवलपमेंट की गई काफ़ी ज़्यादा तो अभी हम उस आ, में एंटर हुए हैं उस आ, आ, उसकी एंट्रेंस पे और यहाँ पे हमारे टेम्परेचर्स वगैरह ऑब्वियसली कोरोना रीजंस और जो है टेम्प्रेचर्स चेक हुए हैं और मास्क वगैरह चेक हुए हैं उसके बाद जो है आ, हम यहाँ पे खड़े हो टिकट्स लेते हैं अंदर एंट्री के जो कि बहुत महंगे नहीं हैं लेकिन यह है कि ऑब्वियसली जब इस तरह की साइट्स होती हैं उनकी मेंटेनेंस के लिए कॉस्ट uh, वगैरह भी जनरेट करनी होती है जैसे हम अपने जूज में जाते हैं या कहीं भी जाते हैं तो ऑब्वियसली उसकी टिकट्स होती हैं तो दे ये दे आर नॉट वेरी मच एक्सपेंसिव तो यहाँ से हमने टिकट ली है जहाँ पे हम खड़े हुए थे वहाँ पे पास ही इन्होंने ये एक बैठक सी बनाई हुई थी जहाँ पे इन्होंने अपना एक थोड़ा सा कल्चर शो किया हुआ था बड़ी अच्छी सी पेंटिंग्स लगी हुई थी और इस तरह से मजलिस आ, या सोफ़ास पड़े हुए थे इसी तरह की इनकी मजलिस भी होती है नीचे बैठने के लिए बहाल बड़ी खूबसूरत सी एक बैठक सी थी तो ये हम स्टेयर्स चढ़ के हम ऊपर केव की तरफ जा रहे हैं और जैसे हम ऊपर जाते हैं साइड पे उन्होंने एक कमरा से बनाया हुआ है जिसमें छोटा सा म्यूज़ियम बनाया हुआ है जो यहाँ से मिलने वाली चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे रखी गई हैं या थोड़ी सी हिस्ट्री बताई गई है इसकी तो हमने वो ज़रा टाइम यहाँ पर स्पेंड नहीं किया बिकॉज़ वी हैड वेरी लेस टाइम और रात होने वाली थी तो इसलिए हमने सोचा कि हम माउंटेंस की तरफ चलते हैं तो ये देखें जी ये आप फर्स्ट इसका जो व्यू है ना वो यूँ है इस तरह के ऊंचे-ऊंचे से आप कह लेंगे सलाखों की तरह या मेखों की तरह ये जो है ना गडे हुए लंबे लंबे से पहाड़ से हैं और जैसे जैसे आप अंदर जाएंगे या फैरान होते जाएंगे कि ये किस तरह से बनी हुई नेचुरल चीज़ है और साथ ही यहाँ पे केव्स हैं कुछ बने हुए जो कि आ, यहाँ पे जो जो रे रेजिडेंट्स हैं वो यूज़ करते रहे इनको इसी तरह से आप मेरे लेफ़्ट साइड पे मैं आपको एक केव दिखाती हूँ इस अलीद नाम का एक केव है यहाँ पे लोग शादियों वगैरह के लिए भी इन केव्स को इस्तेमाल करते हैं आपको पता है वो जो डेस्टिनेशन वेडिंग्स की तरह ये लोग भी इस्तेमाल करते हैं इसको तो यहाँ पर पर्दा सा हुआ हुआ था सो दैट फैमिलीज़ गुड सेट देयर जो कि शादी में आई हुई थी आई थिंक वो शादी या कोई भी सेलिब्रेशन हो रही थी वहाँ पर तो ये देखें हम अब आगे की तरफ चल रहे हैं यहाँ पे उन्होंने थोड़ा थोड़ा सा इस तरह से उसको मेंटेन किया हुआ है कि जो हिस्ट्री है वो अरबी में और इंग्लिश में लिख के लगाई हुई है इस इनकी बारे में जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो यहाँ पे लिखी हुई है उन्होंने तो चलें हम अब थोड़ा आगे चलते हैं कीव्स की तरफ और चूँकि ये एक वीकेंड था तो आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी रश था और ये ऐसी जगह थी जहाँ पर बहुत सारी नेशनल के लोग मुझे नजर आए फिलिपिनोज़ यूरोपियंस ऑबियसली सऊदीज़ पाकिस्तानीज़ इंडियनस many many ऑफ them. तो so, यहाँ से एंट्रेंस है उन केव्स की तरफ जो कि बहुत ही हैरान uh, कर देने वाले तरीके से जो है ना ये खड़े हुए हैं केव्स और सब हमें से सबसे ज़्यादा जो एक्साइटेड थी वो मेरी औलाद थी जो कि बहुत भाग भाग के आगे की तरफ जा रही थी तो ये देखिए मैं आपको ऊपर की तरफ से दिखा रही हूँ तो ये यूँ ऊपर से uh, बिल्कुल मिले हुए नहीं हैं लेकिन बिल्कुल सीधे खड़े हुए हैं और ऊपर से लाइट सी जो है वो रोशनी ऊपर से नज़र आती है और इन केव्स की खास बात ये है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हमेशा मॉडरेट रहता है यानी 20 से 23 के बीच में यही अब ऑन कोल्डर साइड जो है वो रहता है इसलिए जो गर्मियों में आता है तो उसको ये जो केव्स हैं वो ठंडी लगती हैं और जो सर्दियों में आता है उनको ये केव्स गर्म लगती हैं बिकॉज़ जो एयर फ्लो है और उसकी वजह से और दूसरा ऊपर से माउंटेंस uh, बिल्कुल भी आपस में जुड़ी हुई नहीं है हल्की हल्की सी स्लिट्स सी है उसके अंदर से तो सूरज की रोशनी नीचे आती है और प्लस वो डायरेक्ट सनलाइट नीचे नहीं आती जिसकी वजह से अंदर का टम्परेचर जो है वो नॉर्मल रहता है ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी थ्री डिग्रीज़ और इसी तरह से यहाँ पे कुछ ऐसी केव्स भी हैं जो बाकायदा ठंडी हैं उनमें से एक केव मैंने पढ़ा था कि अल, नशब के नाम से केव है जिसका टेम्परेचर जो है वो ट्वेंटी डिग्रीज रहता है तो ये देखें इन्होंने अंदर से काफ़ी अच्छा मेंटेनेंस किया हुआ है ऊपर चढ़ने के लिए आर्टिफिशियल स्टेयर्स भी बनाएंगे ऑब्वियसली ये खुद बनाई गई हैं ताकि आप ऊपर जाके जो अंदर कीव्स बने हुए हैं बकायदा सुरंगे और टनल्स टाइप केव्स बने हुए हैं और दे वंडरफुल और लेकिन इतनी अच्छी तरह से इसमें लाइटनिंग की गई है और एक बाकायदा इसको फोटोग्राफी के लिए बड़ी अच्छी सी साइट्स बनाई गई हैं लाइटिंग से एक बड़ी अच्छी सी फोटोज़ आती हैं यहाँ पे तो मैं आई विल आई विल सजेस्ट दोज़ पीपल जो कि यहाँ पे रहते हैं या सऊदिया विज़िट करना चाहते हैं तो वो ये वाला जो केव्स हैं वो ज़रूर देखें एज यू कैन सी द ब्यूटिफुल यू will find पीपल है जो कि फ़ोटोग्राफ़र्स होंगे और वो आपकी फ़ोटोज़ खींचना आपको कह देंगे कि आपने अगर बनवानी है तो जैसे हमारे मरी वगैरह में होता था पहले आप तो खैर हर एक के पास फ़ोन है लेकिन अब यहाँ पर भी आपको वैसे फ़ोटोग्राफर्स नज़र आते हैं इफ़ यू वॉन्ट टू गेट सम फ़ोटोज़ क्लिक्ट तो आप कर सकते हैं तो एज़ यू कैन सी वो ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा सूरज जो है सूरज की रोशनी जो है वो आ रही है बस इतनी सी आती है दैट्स वाई ये जो केव्स थी वो बड़े मॉडर्ट टम्परेचर वाली थी देखिए इसका पत्थरों का टेक्सचर कितना मज़े का है एंड ऑब्वियसली जैसे फोटोग्राफर्स के लिए अच्छी सी साइट है ये यहाँ पे पिक्चर्स बना सकते हैं देखें हाउ ब्यूटिफुल एंड एट द सेम टाइम्स मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा था ये जो कीव्स हैं ये देख देख के बिकॉज ये uh, मैं सोच रही थी कि ये लाइटनिंग ना हो दिन में तो चलें ठीक है लेकिन रात में कितनी खौफनाक बन जाती है ये लेकिन इन पत्थरों का टेक्स्चर के ये भी पता लग रहा था कि ये या इरोजन की वजह से बनी है या बहुत ज़्यादा रेनफॉल की वजह से या पानी की वजह से जो एब्रोजन एब्रोजन सी हो जाती है वैसा लग रहा था मुझे ये तो लेट्स आई डोंट नो गूगल किया था मैंने थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ने के लिए तो इसमें ये बातें लिखी हुई थी कि जैसे टूट टूट जाते हैं केव्स या पत्थर तो फिर वैसे केव्स बनती ऑब्वियसली देखिए अब हम बाहर निकल आए थे और ये शाम हो चुकी थी और बड़ा ही प्यारा सा लाइट का इफ़ेक्ट था और पिंक सी लाइट थी बड़ी खूबसूरत सी और मुझे जब मैंने बिल्कुल थोड़ी शाम हो गई अच्छी तरह से लाइटनिंग हो गई तो मैंने देखा तो मुझे बिल्कुल एक देव मलाई सा महसूस हो रहा था ऐसे जैसे छोटे होते पी टी वी कुछ आया करती थी देवमालाई कहानियों के बारे में बगदाद की और इस तरह से कहानियाँ आया करती थी तो मैं इमेजिन किया करती थी कि अच्छा इस तरह के बाज़ार हुआ करेंगे होते होंगे या ऐसे ऐसे लोग फिरते होंगे और ऐसे पत्थर होंगे साइडों पे इतना नेचुरल बट येट ब्यूटीफुल तो उस तरह की ये साइट है और यहाँ पे मुकम्मल तौर पर इन्होंने बताया हुआ कि आम, उसकी हिस्ट्री जगह जगह लिख के दिखाई गई एंड लुक एट दिस साइट हाउ ब्यूटिफुल इज़ इट और शाम हो रही थी शाम के बाद यहाँ पे इतना मेरे ख्याल आठ बजे तक का टाइम है यहाँ पे तो सुबह से आठ बजे तक तो जब मौसम मॉडरेट हो तो आप आराम से आके यहाँ पे कर सकते हैं लेकिन मुझे ये लगता है कि जो शाम का टाइम है दिस इज़ दी मोस्ट ब्यूटीफुल साइट आपको देखने को मिलेगी इस इन कीव्स के की। ओबियसली अंदर उस टाइम अंधेरा हो जाता है उतना मज़ा नहीं आता लेकिन बाहर से जो इन्होंने इतना खूबसूरत सा इसको सजाया हुआ है लाइट से ऑन एवरी थिंग तो यू विल नॉट रिग्रेट कमिंग हेयर ये देखें हाउ ब्यूटिफुल जैसे कोई बंदा किसी वक्त में पीछे चला जाता है उस टाइप का मुझे लग रहा था एंड दिस वर सम पिक्चर्स है फोटोग्राफी वगैरह के लिए आप यहाँ पे पिक्चर्स बना सकते हैं एंड आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस प्लेस पीपल हु वांट टू कम टू हसा और सऊदिया और टू दिस ईस्टर्न रीजन प्लीज़ डू कम यू विल नॉट रिग्रेट यहाँ पे एक छोटी सी टक शॉप भी है एक बुक शॉप भी है गिफ्ट शॉप भी है ऑब्वियसली यहाँ पर जितनी कल्चरल या हेरिटेज साइट्स होती हैं वहाँ पे इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आप आएँ तो यहाँ पे भी इसको ज़रूर विजिट करें आपको बहुत अच्छी सी चीज़ें यहाँ से भी मिल जाएंगी बुक्स बड़ी अच्छी मिल जाएंगी इन्फॉर्मेटिव तो इस तरह से बाहर से भी उन्होंने बड़ी अच्छा तरह से मेनटेन किया हुआ है अच्छे वॉशरूम्स हैं और अच्छा उन्होंने थोड़ा आर्टिफिशल सा फाउंटेंस वगैरह भी लगाए हुए हैं तो दे लुक्स रियली रियली गुड एंड बच्चे भी उतना इन्जॉय करते हैं बड़ों को भी ये देखने को अच्छा लगता है बच्चे तो भागने भी में और इस तरह की लाइटें देखने में बड़ा खुश होते हैं और बड़ों को भी ऑब्वियसली जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है पुरानी चीज़ें देखने में कुदरत के करिश्मे देखने में तो ये बड़ा खूबसूरत लगता है लुक एट दिस साइट लुक एट दिस माउंटेन कितना अच्छा ये खूबसूरत लग रहा है इट इज़ नॉट अ माउंटेन बट स्टिल अच्छा लग रहा है तो ये हमारी जो है वो एक सैर थी जो पूरी हो चुकी है यहाँ पे आके और मुझे बहुत अच्छा लगा बहुत मज़ा आया हम लोग बहुत थक गए थे चल चल के मेरा ख्याल है काफ़ी लंबी है चंद मेरे घर में कुछ दस पंद्रह किलोमीटर ये लंबी है अंदर की तरफ हम ज़्यादा अंदर नहीं गए बिकॉज वी हैड चिल्ड्रन वी दस तो दे वर टायर्ड तो आई होप कि आपको आज की जो मेरी वीडियो है ये अच्छी लगी होगी अब हम वापस जा रहे हैं इन आपको और भी जो मैंने साइट्स विजिट की थी वो मैं आपको दिखाऊँगी आई uh, होप मैं आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा तो आई होप आप सब्सक्राइब करेंगे थैंक यू फॉर कमिंग I love